नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ। मैं हूँ एंजेलिना स्टीफन और आज हम मौजूद हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दी जा रही है ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर पंचगव्य को लेकर। तो आइए हम बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट अरुण जराल जी से। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, तो आपको ये पंचगव्य बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? हमारा जो किसान भाई है वो कहता है कि मैंने केमिस्ट्री जो है साइल की, जिसको हम बोलते हैं सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, जो साइल की डेफिनेशन है, वो कहता है कि मैंने साइल की केमिस्ट्री पढ़ ली है, बाय अप्लाइंग हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ही डालना है, इतना ही काम है तो मुझे सारा आता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइज़र डाल के जो मेरा किसान भाई है, किसान वीर है, जो वो प्रोडक्शन ले सकता है कुछ एक्सटेंट तक, फिर उसके बाद वो प्रोडक्शन जो है रुक जाती है। जैसे हम कहते हैं वो 2.5 किलो यूरिया अगर कनाल का डालेगा, अगले साल वो 3 पे जाएगा 3.5 पे जाएगा, वो 1.5 पे नहीं आ सकता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, इससे क्या होता है, ये बायो फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगे, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है जिसमें माइक्रो मैक्रो और फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है वो इसमें पाए जाएंगे। ये पंचगव्य है, मतलब गाय से प्राप्त जो 5 चीज़ें होती हैं उसका जो मिश्रण है हमने एक बनाया हुआ है, जो फार्मर्स के घर में है कि हर किसान के पास जो घर में है वो फैलोज या कोउज तो होती हैं, तो गोबर भी अबंडेंस क्वांटिटी में होता है, कोउज यूरिन भी मिल जाता है, दही भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हमने जो बनाया, आपके सामने बता रहे हैं पंचगव्य, तो वो उससे क्या होगा कि हमारी साइल फर्टिलिटी है जो वो भी मेंटेन होगी, जो हमारे मित्र कीट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, जो कि हमने यूरिया डाया हैवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के उसको क्या है उसकी उसमें हमने कमी लाई है। जैसे ही हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो ऊपरी सतह पे आने की कोशिश करेंगे और उससे साइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होगी। ये जो गोल मैं बना रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़, और उसके बाद ये प्रोडक्शन में, कीपिंग क्वालिटी में, सेल्फ लाइफ में ये मददगार होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसान भी ऐसी विधियों पर आने की कोशिश भी करे। तो सर, इसे बनाने में कितना वक्त लगता है? इसको बनाने में महज 19 दिन का टाइम लगता है। जैसे मैंने सबसे पहले बात की कि हमने गोबर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद थोड़ा देसी घी का इस्तेमाल करना है, उसको हमने 4 दिन तक रखना है, सुबह शाम को उसको हिलाते रहना। आज चौथा दिन था, चौथे दिन के बाद मैंने गौमूत्र का इस्तेमाल किया, फिर इसका दही का इस्तेमाल किया, दूध का इस्तेमाल किया, वो हमने चौथे दिन के बाद इसको डालना है तीनों चीज़ों को, और 2 मैंने पहले डाली थी। 5 चीज़ों के मिश्रण का जो बनेगा उसको नेक्स्ट 15 डेज और लेके जाना है, 19 दिन में ये मेडिसिन तैयार हो जाएगी। जब ये तैयार होगी तो इसको हमने क्या करना है कि आधा लीटर जो है वो एक पंप कनाल में जो करता है हमारा किसान भाई, एक पंप कनाल में करता है। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से सिफारिश करना चाहते हैं कि हमारा किसान भाई जो है वो 2 पंप कनाल के करे, क्योंकि हमने जो है हमारा जो मेन मकसद है पत्ते को पूरा नहलाना है, जो कि एक पंप से हमारा किसान भाई उस पत्ते को नहीं नहला सकता, तो उसको 2 पंप कनाल के करने चाहिए। और इस मिश्रण को जो मैंने बताया उसको आधा आधा करके डाल के, तो हम जो महीने की क्रॉप हो, चाहे वो पैडी की हो, कनक की हो, चाहे सब्जियों की क्रॉप हो, कोल क्रॉप्स की बात करूँ, टमाटो की बात करूँ, नोल खोल की बात करूँ, उसके बाद मैं चिलीज़ की बात करूँ, ये सब चीज़ें हम उसमें स्प्रे कर सकते हैं। और जो क्या कहते हैं कि इरीगेशन वाटर के सोर्स में भी हम इसको दे सकते हैं, उसमें हमने 2.5 लीटर सोल्यूशन को ले जाना है, जहाँ से इरीगेशन वाटर हम लगाते हैं। तो हमारा किसान भाई क्या कहता है, खुले खेत में इरीगेशन वाटर नहीं लगाता है, वो एक नक्के से उसको छोड़ता है, यानी कि एक एंड पॉइंट से वाटर को छोड़ता है, जिस एंड पॉइंट से वाटर को छोड़ता है वहीं सोल्यूशन हमने ग्लास के इसमें डाल देने हैं, वो सारे खेत में इसको वो लग जाएगा हमारी क्रॉप को, उससे आप खुद वो खुद देखेंगे। क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ प्रैक्टिकली पहले फील्ड में की होती है, मैंने इसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कनक के में किया था, मिश्री वाला में थे जब हम, तो उसमें हमने करने में क्या हुआ कि हमारे उसमें एफिड्स का अटैक होता है या कोई इंसेक्ट पेस्ट लगता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आई, और येलो रस्ट की प्रॉब्लम जो है वो भी उसमें नहीं आई। जैसे हमने महीने के बाद इसका स्प्रे किया, हमारा जो फॉलियज होता है पत्ता है उसमें ब्रॉडनेस आना शुरू हो गया, चौड़ापन आना शुरू हो गया। जैसे ही चौड़ापन, जितना चौड़ा पत्ता होगा उसमें खुराक वाले कण उतने ही होंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस भी उतना ही होगा। तो हम यही आपके माध्यम से सिफारिश करना चाहते हैं कि हमारा किसान भाई जो है वो ऐसी विधियों पे भी आने की कोशिश करें। सर, वो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो यूज़ करते हैं वो कितने हानिकारक हैं? वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पंचगव्य जो है, इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र या कमर्शियल फर्टिलाइज़र जो मैं बोल सकता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारा किसान भाई अगर 1 क्विंटल यूरिया खेत में डालता है, क्विंटल का मतलब हो गया आपके माध्यम से 2 बैग, मेरे किसान भाई के 2 बैग के पैसे जेब से चले गए।
लेकिन उसका 22 किलो ही मेरे पौधे को चाहिए, बाकी 78 किलो राख बन के ज़मीन में पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूरिया होता है, यूरिया का दाना ही हमारे प्लांट को नहीं मिलता, वो नाइट्रेट फार्म में आता है। नाइट्रेट फार्म में जब आता है उसको हमारे ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जिसको हम बैक्टीरियाज बोलते हैं, वो उसको एक्शन में लाते हैं, नाइट्रेट फार्म में लाते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करके हमने ज़मीनों का, उस जीवाणुओं का वो बेड़ा गर्क कर दिया है, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसलिए उसमें अगर डीएपी में, अगर डीएपी की बात करूँ, अगर एक क्विंटल हम डीएपी डालेंगे तो मेरे पौधे को 18 किलो ही चाहिए, बाकी जो 82 किलो वो ऐसे राख बन के अवेलेबल फार्म में नहीं रहता। और इन चीज़ों का जब हम इस्तेमाल अपने खेत में करेंगे तो वो जो चीज़ें जो ऐसे ही इनसॉल्युबल फार्म में होंगी वो सॉल्युबल फार्म में आ जाएंगी। कहने का मतलब यही है कि वो उसका भी इस्तेमाल जो हमारे किसान भाई को मिल जाएगा जो ऐसे ही पड़ा होगा खेत में। तो जो ये आपने ऑर्गेनिक ये बनाया है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, तो इसकी डालने की कोई क्वांटिटी रहेगी कि कितना कितना यूज़ करना है? आपको पहले ही कहा कि जो पंचगव्य की मैं बात करूँ, पंचगव्य जो है वो आधा लीटर जो एक नाल पंप के हिसाब से हम आप उसकी मकदार उसको हम रखेंगे, अगर उसमें आधा लीटर की जगह लीटर भी पड़ जाएगा तो इसमें कोई हानिकारक नहीं है कि भाई मेरा जो मुख्य रूप से जिस चीज़ को मैंने ख़त्म करना था वो तो मैंने ख़त्म की, लेकिन जो मेरी मेन खराब है उसको भी इफेक्ट हो गया, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा जो सोल्यूशन है, मैंने कहा इसमें इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन जो मैंने बनाया कोउजरीन और इसको नीम के पत्तों को लेके, ये इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो नीम में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिपेलेंट की प्रॉपर्टी होती हैं, ये उस जीव को, उस कीटाणु को, उस इंसेक्ट को नहीं मारे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध रहे, इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारा किसान पर जब हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे करके आता है ना, तो उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, वो ये चीज़ नहीं देखा इसमें मगी तिकोन नीला पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है या लाल पड़ा हुआ है, उसको स्प्रे करना है और सुबह मंडी में चीज़ पहुँचानी है, और ये नहीं देखनी कि अल्टीमेटली जो सरप्लस प्रोड्यूस होगा वो कौन लोग खाएंगे, वो फिर के हम ही लोग खाएंगे। अगर उसमें हाईली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा तो हमारी सेहत कैसी होगी, अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी हेल्थ कैसी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हमारा किसान भाई ऐसी विधियों पर भी आने की कोशिश करें। इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण जलाल जी। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।